नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे सीएस 209, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। जैसा कि हमने सी में फाइल हैंडलिंग किया था, जब भी कोई डेटा फाइल से रीड करना है या फाइल में राइट करना है तो हम फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं। वैसे ही पर्ल में भी फाइल हैंडलर एसोसिएटेड नेम है एक फाइल का, जो भी फाइल है अपना उसको अगर बाइंड करना है उस फाइल से, उसकी मेमोरी लोकेशन से, तो फाइल हैंडलर यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट देयर आर थ्री बेसिक फाइल हैंडलर्स, एसटीडी इन, एसटीडी आउट एंड एसटीडी एयर। एसटीडी इन स्टैंडर्ड इनपुट, जब भी अपने को रीड इनपुट लेना है, गेट इनपुट करना है, स्टैंडर्ड इनपुट दैट इज कीबोर्ड, तो क्या करेंगे अपन, एसटीडी इन फाइल हैंडलर यूज करेंगे। एसटीडी आउट, जब अपने को डेटा को मॉनिटर पे प्रिंट कराना है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन है अपना, मॉनिटर, तो सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट दैट इज मॉनिटर। थर्ड इज एसटीडी एरर, जब भी कोई एरर आती है वो कहाँ स्टोर होती है, एक एरर लॉग फाइल होती है, स्टैंडर्ड एरर लॉग फाइल उसमें स्टोर हो जाएगा। तो पहले अपन देखते हैं एसटीडी इन फाइल हैंडलर। सी में तो अपने पास क्या होता है, इनपुट लेने के लिए स्कैनफ से भी कर सकते हैं अपन, एसटीडी इन से भी कर सकते हैं, लेकिन पर्ल में अपने को एसटीडी इन से इनपुट लेना है। तो एग्जाम्पल, रीड ए सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से अगर आपको कुछ टाइप करवाना है और प्रिंट करवाना है तो पहले अपन एक वेरिएबल लेंगे। तीन वेरिएबल हमने देखे थे, स्केलर वेरिएबल, अरे वेरिएबल एंड हैश वेरिएबल। स्केलर वेरिएबल के लिए डॉलर ए यूज करते हैं, और अरे के लिए एट द रेट, और हैश के लिए परसेंटेज। स्केलर वेरिएबल एक लाइन अगर आपको स्टोर करवानी है, मल्टीपल लाइन करवानी है तो अरे वेरिएबल, और की वैल्यू पेयर स्टोर करवाने हैं तो हैश वेरिएबल लेते हैं। ये हम देख चुके हैं पहले ही पर्ल की प्रोग्रामिंग में। तो डॉलर ए इज इक्वल टू इन एंगल्स में एसटीडी इन लिख देंगे, तो जो भी अपन कीबोर्ड से टाइप करेंगे एक लाइन वो किस में स्टोर हो जाएगी, ए में। अब उसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट डॉलर ए देन सेमी कॉलम, तो इसका आउटपुट जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। अगर आपको मल्टीपल इन लाइंस लेनी है तो अपन स्केलर वेरिएबल की जगह अरे वेरिएबल भी ले सकते हैं, और आप इसको स्केलर को लूप चला के भी जब तक एंड नहीं हो तब तक आपका रीड करता रहे, राइट करता रहे, वैसे भी कर सकते हैं। और सिंपल करना है तो अरे ले लो, सेम है वैसा ही एट द रेट। जब आपका फाइल इसमें मल्टीपल लाइंस, पता कैसे चलेगा कि एंड हो गई, लास्ट में क्या टाइप करेंगे अपन, कंट्रोल जेड, जो कि एंड ऑफ इनपुट इंडिकेट करते हैं। एसटीडी इन ऑल्सो असाइंस वैल्यू टू स्पेशल वेरिएबल्स, जब आप कोई वेरिएबल नहीं लिखते हो तो अगर आप डॉलर अंडरस्कोर प्रिंट करवाते हो तो ये बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट है अपना एसटीडी आउट, फाइल हैंडल पॉइंट्स टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज मॉनिटर, प्रिंट एसटीडी आउट दैट इज फाइल हैंडल। देन जो भी आपको मैसेज प्रिंट करवाना है तो ये मैसेज कहाँ जाएगा, मॉनिटर पे। तो बाय डिफॉल्ट अपन प्रिंट लिखते हैं और मैसेज लिखते हैं तो वो भी मॉनिटर पे जाता है, तो एसटीडी आउट लिखो या ना लिखो बोथ आर सेम। अगला अपना है रीडायरेक्टिंग एसटीडी इन एंड एसटीडी आउट, कि जब हमें कई बार फाइल से, इसमें क्या है, ये एक रीडिंग फ्रॉम ए फाइल एंड राइटिंग टू ए फाइल, कि हमने एसटीडी इन ए लिखा और ए को प्रिंट करवाया, लेकिन हम कीबोर्ड से टाइप न करके फाइल से इनपुट लेना चाहते हैं, तो यहां पे जब इसको रन कराएंगे इस प्रोग्राम को f1.pl, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो अब अपने को इनपुट कहाँ से आएगा, फाइल से, और टाइप कहाँ होगा, आउटपुट फाइल में। अब है अपना ओपनिंग ए फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए इसमें तीन आर्ग्यूमेंट होती है, फाइल हैंडलर, मोड एंड फाइल नेम। यहाँ मोड नहीं लिखा हुआ, मोड और लिख देते हैं, M4 मोड। तीन मोड होते हैं, रीड मोड, राइट मोड, रीड एंड राइट मोड, अपेंड मोड। तो ओपन फंक्शन है
ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ सेम थिंग है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। फाइल हैंडल कॉमा मोड, रीड मोड के लिए खोलना है कि राइट मोड के लिए खोलना है कि अपेंड मोड के लिए खोलना है, देन फाइल नेम। ये एग्जाम्पल है, इसका सिंटेक्स था ये। ओपन एफ एच इज मैंने नाम दे दिया फाइल हैंडलर का, फाइल का नाम फाइल वन डॉट टी एक्स टी। और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर्स देखे थे अपनों ने पर्ल में, इसी की तरह और ऑपरेटर ही है। और ऑपरेटर में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो नेक्स्ट चेक नहीं होगी, फर्स्ट फॉल्स है तभी नेक्स्ट चेक होगी, और ये ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू, और दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, और में एक भी ट्रू है तो ट्रू। तो ओपन एफ एच फाइल वन डॉट टी एक्स टी, अगर ये फाइल ओपन हो जाती है मतलब ये फाइल एग्जिस्ट करती है तब तो कोई एरर नहीं आएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो अपनी ये फॉल्स हो गई, ओपन विल रिटर्न जीरो, देन डाई इज ए फंक्शन, और ये क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा एरर इन ओपनिंग ए फाइल। ये अपना ओपन हो गया। क्लोज सिंपल है, क्लोज लिखो, फाइल हैंडल का नाम लिखो, तो अपन क्या लिखेंगे, क्लोज अपना फाइल हैंडल एफ एच मैंने नाम दे दिया। फाइल ओपन मोड, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। तो रीड मोड ओपन फाइल हैंडल, और ये रीडायरेक्टिंग ऑपरेटर रीडिंग वाला, मींस ये फाइल का जो कंटेंट है वो इधर जा रहा है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ उधर से नोक की तरफ जा रहा है, तो ये फाइल से ले रहे हैं अपन, इसलिए इनपुट रीड मोड। एंड देन और ऑपरेटर डाई एरर मैसेज इन ओपनिंग ए फाइल। अब अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट ए पर्ल प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम ए फाइल एंड देन राइट द फाइल कंटेंट ऑन द एसटीडी आउट। तो अपन क्या करेंगे, ओपन फंक्शन लिखा, फाइल हैंडल का नाम दिया, फाइल का नाम दिया, और डाई एरर इन ओपनिंग फाइल। सपोज अपनी ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये डाई पे नहीं जाएगा, फाइल हैंडलर क्रिएट हो जाएगा। तो वाइल जब अब तक अपना डायरेक्टिव ये एंगल्स में देंगे अपन, एफ एच फाइल हैंडलर चलता रहेगा, प्रिंट डॉलर स्पेशल वेरिएबल ले लिया अपनों ने, तो जब तक अपना फाइल का एंड नहीं आ जाता ये प्रिंट करता रहेगा, कहाँ, स्टैंडर्ड आउटपुट पे। आप इसको स्पेशल वेरिएबल भी ले सकते हो और नॉर्मल वेरिएबल भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉलर कुछ भी वेरिएबल का नेम इक्वल टू फाइल हैंडलर और प्रिंट दैट वेरिएबल। अब अपना देखते हैं राइट मोड। तो राइट मोड में करना है तो ये मींस अब अपना यहां से आ रहा है फाइल में जा रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट से लेंगे फाइल में लिखेंगे। तो राइट ए प्रोग्राम, पर्ल प्रोग्राम टू राइट इनटू ए फाइल इनपुटेड फ्रॉम कीबोर्ड से, इनपुट दिया हुआ अपने को फाइल में लिखना है। तो ओपन फंक्शन एफ एच कॉमा फाइल इन राइट मोड और डाई एरर इन ओपनिंग फाइल। वाइल अब यहां लेना किससे अपने को, फाइल अंडर इनपुट में क्या लेना है अपने को, एसटीडीन। अब यहां पे अपने को एफ एच लिखना है, अगर अपन एफ एच नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एसटीडी आउट। तो ये प्रिंट वाला कहां प्रिंट होगा, ये एसटीडी आउट, लेकिन फाइल हैंडल दिया है तो ये फाइल किसका, फाइल किस फाइल का हैंडल है, फाइल आउट डॉट टीएक्सटी। तो जो भी अपन एसटीडी इन से लिखेंगे इस स्पेशल वेरिएबल से, वो किस में चला जाएगा, फाइल आउट डॉट टीएक्सटी। तो अपन जो भी कीबोर्ड से टाइप किया वो किस में सेव हो गया, फाइल आउट डॉट टीएक्सटी में। सिमिलरली अगर अपने को अपेंड मोड में खोलनी है, हाँ इसमें क्या होता है, अगर अपनी फाइल पहले से बनी हुई है और उसमें कंटेंट है और अपन उसको राइट मोड में खोलते हैं और उसमें कुछ लिखते हैं तो वो पहले वाला कंटेंट ओवरराइट हो जाता है, फाइल का सारा डेटा क्लीन हो जाएगा और उसमें नया डेटा स्टोर होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने को अपना पुराना डेटा भी रखना है और नया भी ऐड करना है, तो उसको किस में खोलेंगे, अपेंड मोड में। अपेंड मोड का क्या सिंबल है, डबल ग्रेटर देन सिंबल लगा देंगे। तो अब अपनी फाइल, अब यहां पे अगर अपन इसको डबल लगा के खोलते हैं तो जो पहले का कंटेंट था वो तो रहेगा और लास्ट में जो भी अपन एसटीडी इन से देंगे कीबोर्ड से वो उसके लास्ट में अपेंड हो जाएगा। तो ये था अपना फाइल हैंडलिंग इन पर्ल। थैंक यू।